दिव्या पहुजा की हत्या मामले में सब तीन लोगों को गिरफ्तार किया, क्या कुछ पूरा मामला है? ये 2 तारीख की शाम को पुलिस को सूचना मिली थी कि किसी लड़की की लाश होटल सिटी पॉइंट जो कि बस स्टैंड के पास है वहाँ है। इसी सूचना पे पुलिस वहाँ पहुँची और जब वहाँ पे होटल के तलाशी ली गई और जो कैमरे देखे गए उससे पता लगा कि एक लड़की की लाश को वहाँ से डिस्प्लेस किया गया 3 लोगों द्वारा और उसको फिर BMW गाड़ी में डाला गया और जो बेसिकली होटल का मालिक है मिस्टर अभिजीत और उसके दोस्त जो कर्मचारी या साथी कर्मचारी जो रेस्टोरेंट में काम करते थे हेमराज और प्रकाश इन तीनों लोगों को गिरफ्तार किया गया। कब ये यहाँ पे पहुँचे थे, किस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया, किसने पुलिस को जानकारी दी थी होटल में लाश? होटल में जानकारी जो होटल पे लीज पे दिया हुआ है ये होटल तो वहाँ जो लीज होल्डर है उनके उन्होंने इसके बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी और ये जो अभियुक्त की जो प्राथमिक पूछताछ है जो अभिजीत है उसने बताया है कि करीब शाम को 5 बजे एक अल्टरकेशन के बाद उसने जो दिव्या पहचान जो मृतका की पहचान दिव्या के रूप में हुई है उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। कितनी गोलियां मारी गई सर उसको? एक गोली। कारण क्या था इसके पीछे? जो अभी तक की पूछताछ में जो डिस्क्लोज हुआ है पता चला है उसके अनुसार ये अभिजीत और जो दिव्या है पिछले करीब 2.5-3 महीने से एक दूसरे के संपर्क में थे और वो एक तरीके से रिलेशनशिप में आ गए और इसी दौरान दिव्या ने पता चला है कि कुछ कैमरे शूट आउट किए वीडियो शूट आउट किए कैमरे की सहायता से और उसके बाद हालांकि इन चीज़ों की पुष्टि अभी 5 दिन का रिमांड लिया गया है उस दौरान की जाएगी और उसकी तकमील तफ्तीश जो टोटल इन्वेस्टिगेशन है उसके बाद रियल हालातों का पता लगेगा। सर हत्या आरोपी कौन है, कहाँ का रहने वाला है, कहाँ से इसकी गिरफ्तारी हुई सर? हत्या आरोपी पीछे से हिसार का रहने वाला है, मॉडल टाउन हिसार में रहता है और इसका साउथ एक्स दिल्ली में भी मकान है जो उसकी माँ और चाचा के नाम है और होटल बेसिकली क्योंकि होटल में ही वो मिल गया तो वहीं से गिरफ्तारी हुई। अभी घटना कैसे कैसे लेके आया, कैसे अंजाम दिया, वजह क्या थी, पूरा सही बात बताइए। डेड बॉडी के बारे में डेड बॉडी के बारे में क्योंकि कैमरों से ही एस्टेब्लिश हो गया है कि डेड बॉडी को डिस्प्लेस करने के लिए BMW गाड़ी का इस्तेमाल किया गया है। अभी करीब आधे घंटे पहले जो BMW गाड़ी है वो पटियाला बस स्टैंड पे डिटेक्ट हो गई है, हमारी टीम वहाँ पहुँच गई है और हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से गाड़ी खुल जाए, लॉक्ड है वो और देखते हैं कि आगे क्या हालात बनते हैं। कौन गाड़ी को वहाँ तक लेके गया सर, कौन कौन? ये बलराज नाम का व्यक्ति है जो बेसिकली मोहाली का रहने वाला है, बलराज गिल, वो गाड़ी को लेके गया है और उसका एक साथी और जो जिसका नाम रवि है, रवि बांगा, जो वो भी हिसार से रहने वाले हैं, वो दोनों इस गाड़ी को लेके पंजाब तक गए हैं। सर ये दोनों मिले हैं, डिटेल? नहीं नहीं नहीं, अभी तक हमारी टीम है वो पंजाब में मौजूद है और प्रयास किए जा रहे हैं जल्दी उनको पकड़ेंगे। अभिजीत और दिव्या की आपस में जो कनेक्शन बना वो कैसे बना, कैसे एक दूसरे से पहचान हुई और दिव्या की बैक हिस्ट्री क्या है? जो अभिजीत है बेसिकली ये बिंदर गुजर जो एक बदमाश है, गैंगस्टर है, उसके टच में रहा है करीब पिछले 15 सालों से ऑफ एंड ऑन और जब ये दिव्या जो कि संदीप गाड़ोली जो एक और गैंगस्टर है जिसका कि एनकाउंटर हुआ था मुंबई में तो उस केस को अंजाम देने में उसकी भूमिका रही थी और उस केस में वो अक्यूज्ड भी है। पीछे 25 जुलाई 2023 को वो बेल पे रिलीज हुई है और उसके आने के बाद उसी ने बिंदर गुजर से अभिजीत की बात कराई और उसके बाद ये टच हुआ। यानी कि आप मान रहे हैं कि जो बिंदर गुजर पर आरोप लगे थे कि उसने एनकाउंटर करवाया है गुरुग्राम पुलिस के जरिए, तो आप जब कह रहे हैं कि उसकी भूमिका थी दिव्या पहुजा की, तो क्या आप मान रहे हैं कि उसने टिप दी थी गुरुग्राम पुलिस को?
चीजें मानने से नहीं होती है, वो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है और शायद इसीलिए वो जेल में है। सर बलराज डेड बॉडी को कहां से लेकर गया था, किस तरह से इसने अभिजीत ने उसे संपर्क किया? अभिजीत ने फोन के माध्यम से संपर्क किया, वो साउथ एक्स था बलराज, वो फिर वहां से आया है और अभिजीत ने फिर होटल के करीब 1.5 किलोमीटर दूर ये जो गाड़ी है वो हैंड ओवर कर दी बलराज को। सर एक सवाल है, सर डेड बॉडी क्या गाड़ी में ही है कि या उन्होंने कहीं और डिस्पोज किया? इस बारे कहा नहीं जा सकता है, जब तक गाड़ी की डिक्की ना खुल जाए तो ये बताना थोड़ा सा संभव नहीं हो पाएगा। अच्छा सर, बलराज बिंदर गुजर गए थे, बलराज और उनका साथी जो है रवि, इसको पैसे दिए गए? ना, इस बारे अभियुक्त ने अभी कुछ नहीं बताया है, पर जब बलराज पकड़ा जाएगा तो हो सकता है कोई इस पर इस बात का खुलासा हो। पैसे का लेन देन का मामला जो वीडियो बनाने के बाद था, या फिर कहीं ना कहीं गैंगवार से भी जुड़ा हो सकता है बिंदर गुजर से? अभी तक के हालात तो ये सीधा सीधा जो पैसे मांगने का ही मामला है, जिसको हम कहेंगे कि एक्सटोर्शन, सम सॉर्ट ऑफ एक्सटोर्शन। सर जब संदीप गढ़ोले का मर्डर हुआ था, उसकी बहन और उसके भाई ने एक उस टाइम पे ये चैलेंज किया था कि वो इसमें इनकी जो ये दिव्या को भी नहीं छोड़ेंगे, FIR में उनका नाम है, जो दिव्या है उसकी बहन, छोटी बहन है नैना, द्वारा जो FIR दर्ज कराई गई है उसमें उनका नाम है, और इसमें हर एक पहलू से हम इस केस की जांच करेंगे। सर ये मामला 2016 से हम जोड़ के साफ तौर से, जैसे से आप बता रहे हैं, संदीप गढ़ोले का मर्डर होता है, दिव्या उसमें प्राइम एक्यूज होती है, जाहिर सी बात है अभिजीत को दिव्या के ड्यूबियस कैरेक्टर के बारे में पता था कि उसने पुलिस को वहां टिप ऑफ दिया था जिस पर इंटरेस्ट अकाउंट होता है। डू यू सस्पेक्ट दैट दिस कुड बी अ रीजन, अ गैंग वॉर कुड बी अ रीजन बिकॉज़ ऑफ दिस हैज हैपेंड, बिकॉज़ अभिजीत वाज ऑलरेडी अवेयर अबाउट कंडक्ट ऑफ दिव्या, सो वेरी अनलाइकली कि वो उसकी ट्रैप में सीधे फंस जाए, क्योंकि 12 घंटे का समय मिला सर, और 5 बजे का मर्डर होता है, सुबह 4 बजे लोग दिखते हैं सीसीटीवी में, तो उस दौरान इसने प्लानिंग दी जल्दी कैसे एग्जीक्यूट कर ली, ये सारे आरोपियों के साथ। इन सारे सवालों का जवाब मेरे हिसाब से 5 दिन का पुलिस रिमांड मिला है, तो वी शैल बी एबल टू आंसर दैट। यू आर नॉट रूलिंग आउट एनी यू नो प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट? हां देखो, किसी चीज को रूल आउट करना ये इट्स टू अर्ली टू से सो, और जब तक हर एक कोई भी जितने भी एस्पेक्ट हैं उस पे अगर पुलिस काम ना कर ले तब तक किसी चीज को फाइनली कहना एक अच्छी बात भी नहीं। सर हत्या करने का तभी भी फरार नहीं हुआ, उसने सीसीटीवी फुटेज से छेड़खानी नहीं की, क्या था मतलब इसकी कोई कहानी में झोल नजर नहीं आ रहा कि आरोपी वही मौजूद है, अपना होटल है, सीसीटीवी फुटेज वही लगी हुई है? इसको कितने बजे जानकारी मिली, 5 बजे घटना हुई तो पुलिस को कितने बजे जानकारी? पुलिस को करीब करीब 9 बजे जानकारी मिली, रात के 9 बजे। होटल का जो मालिक है जिसके पास है वो 4 घंटे तक क्यों वेट करा था, उसके बाद उसने मतलब 9 बजे जानकारी दी पुलिस को? ना, होटल के मालिक ने नहीं दी, होटल में जो लीज वाला है। सर सीसीटीवी कैमरे के हिसाब से घटनाक्रम बता दीजिए सर, कि कब होटल में आए, कब मर्डर हुआ, कब कॉल मिली पुलिस को और कब पुलिस पहुंची, ये टाइमलाइन। और ये फरार क्यों नहीं हुआ? देखो, जो अभियुक्त ने बताया है वो कहता है कि 5 बजे के करीब जो ये मर्डर हुआ, जो ये घटना हुई, एक तरीके से मर्डर हुआ, उसके बाद जो अभियुक्त है जो एक तरीके से थोड़ा नशे का भी आदि है, तो लगभग वो एब्रिविएटेड फॉर्म में ही था, और इसने काफ़ी सोच समझ के फिर अपने जैसे इसको थोड़ा और संभाला, इसने अपने साथियों को बुलाया और वो भागा क्यों नहीं, इस बारे उससे अभी पूछताछ करनी बकाया है, अभी करेंगे, पर मुझे ये लगता है कि शायद वो इस पोजिशन में था नहीं क्यों भाग गए। सर सोर्सेस की माने तो दिव्यास अकाउंट, वो चीजें अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, मैं यही कह रहा हूँ कि इस टाइम जो कहना बहुत जल्दबाजी रहेगा, पर जो अगला नेक्स्ट हम कॉन्फ्रेंस करेंगे तो इन आपके तमाम सवालों का जवाब उसी में देंगे। पुलिस को फोटो मिल गया जिस फोन के अंदर अभिजीत की अश्लील फोटोज थी, वो फोन आपको मिली? अभी हमें 2 फोन मिले हैं, एक अभिजीत का और एक दिव्या का फोन, एक और फोन भी दिव्या की बहन की माने तो वो कहती है कि एक और फोन था, तो उस बारे भी तफ्तीश कर रहे हैं हम, और वो जो फैक्ट सामने आएंगे वो अगली बार आपको बताएंगे। अच्छा सर, जो फोन मिला था उसमें से कुछ ऐसा मिला, कुछ ऐसी चीज आपत्तिजनक कोई ऐसी चीज मिली? ना, देखो उनको सीज कर लिया गया फोन को, और वो जो हमारी मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट है पंचकुला, वहाँ भेजेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें, तो अगर कोई बदमाशी करता भी है कोई अपराधी,
तो मुझे नहीं लगता कि वो उसमें एज सच छोड़ देता है। अच्छा सर, सोर्सेस की माने तो खुद इसने नशे की हालत में पुलिस कंट्रोल में फोन किया कि वहाँ लाश पड़ी हुई है, आप उठा लीजिए, क्या ऐसा कुछ भी है? ना ना ना, पुलिस को सूचना कहाँ से मिली थी? पुलिस को सूचना जो लीज पे जिन पार्टी ने लिया हुआ है उसका नाम अनूप है, जिस लड़के ने फोन करके बतलाया कि इस तरीके से एक लाश है हमारे होटल में पड़ी है। तो सर, मर्डर जो डेड बॉडी है उसको शिफ्ट करने के बाद पुलिस को कॉल मिला या उससे पहले कॉल मिल गया था पुलिस को? ना ना, उससे पहले कॉल मिल गया था। उसके पीछे भी जायज कारण ये रहा कि इस आदमी ने, अभिजीत ने जैसे मर्डर कर दिया तो उनसे हेल्प सीख करने की कोशिश की, उन्होंने कोशिश करी कि इन लोगों के साथ लेके मैं इसको यहाँ से डेड बॉडी को डिस्प्लेस कर दूँ, और इसी बात से उनको डिस्क्लोज हुआ कि इसमें इसने कुछ गलत किया है और डेड बॉडी है। सर, जो हथियार था वो क्या है? अभिजीत ने पैसा दिया था सर, दोनों जो बदमाश थे जो BMW गाड़ी में डेड बॉडी को लेकर गए सर? ना, अभिजीत ने अभी इस बारे कुछ नहीं बताया है, और ज्यादा जानकारी तो जब दोनों बदमाश पकड़े जाएंगे। दो हथियार जो था जो यूज किया गया था, क्या वो लाइसेंसी था या? ना ना, वो इलिसिट वेपन इन्होंने बताया है, वो रिमांड इसीलिए लिया गया है, 5 दिन का रिमांड मिला है। ना, अभी बरामदगी के लिए ही बेसिकली रिमांड दिया जाता है। कौन? अनूप, जिसने कॉल किया। ना ना ना, अनूप तो बेसिकली सस्पेक्ट हो नहीं सकता है, क्योंकि उसको तो जानकारी मिली तो उसने शेयर कर दी। सर, लाश कब निकली होटल से और पुलिस उसकी कितनी देर बाद होटल पर? करीब करीब, आपने बताया कि 9 बजे पुलिस को जानकारी मिली, और करीब 9 बजे, बॉडी निकली है, तो 2 घंटे का समय है और आस पास में ही थाना है, तो इतना गैप कैसे होगा कि बॉडी वो लेके जाने में कामयाब हो गए? नहीं नहीं, सूचना मिली उसके बाद पुलिस वहां गई। बेसिकली जो अभिजीत के लिए रूम था होटल में वो 114 नंबर बुक्ड था, तो जो सूचना में पुलिस गई वहां पे और उसने 114 नंबर रूम की को ही सर्च किया, सर्च करके पुलिस वापस आ गई। उसके बाद अगेन जो सस्पिशन रेज हुआ तो उसके बाद फिर होटल को चेक किया गया, क्योंकि इस होटल में शायद 39 कमरे हैं और वो जो 114 नंबर है वो एक्सक्लूसिवली बुक्ड है फॉर अभिजीत। तो क्योंकि नीचे जब काउंटर पे पूछा तो उन्होंने कहा कि वो 114 नंबर है, वो सर्च किया गया तो उसको मिला। सर, 111 में बताया कि 111 में थी, तो 111 क्यों नहीं चेक किया सर? ना, किसने बताया? जो लीज ने लिया हुआ है उसने कहा कि वो रूम 111 नंबर है, वो देखने के लिए बुक था। वो बाद में डिस्क्लोज हुआ, बाद में डिस्क्लोज हुआ तो पुलिस फिर पुणे गई और उसके बाद एक तरीके से चेक किया तो सारी चीजें। पुलिस की, पुलिस का लफ्ज मानते हैं सर कि 2 घंटे तक वो लाश के साथ वहां रहा, वहां से शिफ्ट कर दिया, बस स्टैंड के अंदर ही पुलिस चौकी है, मैच कुछ कदम की दूरी पर। देखो, लैप्स तो उसके बारे में क्या बताएं, पर अगर कोई रहा होगा तो उसमें भी कार्रवाई करेंगे। सर, नहीं, जब एक मर्डर की सूचना मिली उसके बावजूद पुलिस जाती है, सिर्फ एक कमरा सर्च करके वापस चली जाती है, क्या था पुलिस की लापरवाही थी जिसकी वजह से अपराधी जो लाश को ठिकाने लगाने में कामयाब? बाद में CCTV में जबकि दिखता है कि वो स्पष्टता, अगर ऐसा तो नहीं है, वो तो जब चेक किया तभी पता लगा, जब ये इनफ हमें लगा कि ये चीजें कुछ गड़बड़ हुई है उसमें, तो तभी CCTV फुटेज चेकिंग की गई। और कुछ टाइम ये भी सही है कि CCTV फुटेज को चेक करने में भी लगा, इसको एस्टेब्लिश करने में लगा। अभिजीत बिंदर के लिए क्या काम करता था? अभिजीत बिंदर के लिए बेसिकली तो ये जानकार था, और छोटा मोटा जो अभी लास्टली उसने कहा कि शायद बिंदर के 2 छोटे बच्चे हैं, तो वो उससे असिस्ट मांग रहा था कि उसकी पढ़ाई का कुछ खर्चा वर्चा वो दे दे। किसी प्रकार का क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है सर अभिजीत का? अभिजीत के यहाँ, हमारे यहाँ एक मारपिटाई का मुकदमा दर्ज है इसी थाने में, सेक्टर 14 थाने में। इसके अलावा अभिजीत पर एक कोटला मुबारकपुर दिल्ली में भी एक आर्म्स एक्ट का प्रोफाइल है। सर, क्या कुछ इसका प्रोफाइल है सर, हत्यारोपी का प्रोफाइल क्या कुछ है, क्या कुछ करता है, क्या? ये बेसिकली ये इंजीनियर रहा है बैकग्राउंड से, और इसने NIT कुरुक्षेत्र से 89 में इंजीनियरिंग करी है, और उसके बाद अच्छी किसी कंपनी में उसने काम भी किया है। अभी पिछले कुछ सालों से ये होटल बिजनेस में ही था, और इसी को रन कर रहा है। सर, BMW गाड़ी किसके जिसमें डेड बॉडी लेके गए हैं? ये BMW गाड़ी वैसे अजय मेहता नाम के व्यक्ति की है, जो वेस्ट दिल्ली का रेडी वाला है। इसने इसको बेसिकली लीज, जिसको लीज आउट या मोर्टगेज कहते हैं, उस तरीके से 20 लाख रुपये मालिक को देके
बतौर गिरवी या बतौर गारंटी अपने पास। तो सर जब अनूप ने 9 बजे फोन किया कि होटल में लाश है, तो जब पुलिस गई तो अनूप से पूछी नहीं कि तुमने झूठा कॉल क्यों किया जब मिली नहीं 114 में? ना बेसिकली तो वो दूसरी कॉल और उसमें तक तब तक तो चीजों को देखा ही जा रहा था, तो उसमें इस प्रकार की बात नहीं थी। वो जब नहीं मिली तो तब रेज किया तो तभी तो पता लगा ना कि वो कहीं और हो सकती है। जो अभिजीत ने बतलाया वो रिसेंटली जो दिव्या है उसने अपने फोन से ही बिंदर गुर्जर से बात कराई थी, पर इन चीजों को हम फाइनली नहीं मान रहे हैं, वो चीजों को एस्टेब्लिश किया जाएगा, उसके बहुत सारे तरीके हैं, उसके बाद ही हम बताएंगे। कितनी गोलियां मारी गई है, कितना क्लेम किया गया है? एक गोली मारी गई है जुलाई में आई बाहर, उसके बाद कहां रही ये सारी चीजें अभी इन्वेस्टिगेट की जानी बाकी है, क्योंकि बेसिकली तो उसका जो हिस्ट्री है या उसका क्या काम था, क्या नहीं करता है, क्या करती थी, तो वो उसके घर वालों से पूछेंगे और फिर उस पे। कितना पैसा अभिजीत दे चुका था दिव्या पहुंचा को? जो अभिजीत बताता है वो करीब कहता है कि मैं 6 लाख के आसपास जो रुपया था वो दे चुका था, पर उसकी भी पुष्टि हम करेंगे। सर 111 रूम नंबर के बाहर गेट पर ईंटों से वार किया गया, ये वार किसने करे थे और क्यों करे थे? मेरे हिसाब से जो कमरा जो बंद हो गया था, लॉक हो जाता है जैसे बाहर निकलते हो आप, तो वो लॉक तोड़ने के लिए इन्हीं लोगों ने जो अभियुक्त है इन्हीं लोगों ने उसको ऑफिशियली तो कम्युनिकेशन की शायद आजकल जरूरत नहीं है, क्योंकि मीडिया इतना सजग है और मुझे नहीं लगता कि वो जरूरत भी है। और मेरे पास ये जानकारी नहीं है, पर ये अज्यूम्ड है कि उनको कर दिया गया होगा, अगर नहीं कर दिया होगा तो कर दिया जाए। उनके केस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा सर? बेसिकली तो वो अक्यूज्ड थी, तो इसके खिलाफ जो ट्रायल जो चलना था या चल रहा है वो अपने आप में समाप्त हो जाएगा, केस पे उसका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बलराज गिल के बारे में, क्योंकि वो हमारे पास अभी तक पहुंचा नहीं है, पर थोड़ा पता लगा है कि वो भी बेसिकली इशार से ही पड़ा है, और अभियुक्त ने बताया कि वो हम उम्र है और मोहाली में रहता है, उसका एक फ्लैट पंचकुला में भी है। और ये इसने जो बताया ये कि ये पेशेवर LLB इसने किया है और ये पेशेवर वकील है। अच्छा सर, CCTV फुटेज में दिव्या पहुजा, अभिजीत सिंह और एक अन्य युवक दिखाई दे रहा है, वो अन्य युवक कौन था और उसकी क्या भूमिका इस हत्याकांड में रही है? वो सारी चीजें अभी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, उसको डिस्क्लोज करना शायद अभी फायदेमंद नहीं रहेगा, जैसे भी चीजें। नहीं, वो शख्स CCTV फुटेज में शामिल शख्स क्या इस हत्याकांड में शामिल था सर? ये सारी बातें अभी अभिजीत, क्योंकि आज ही हमारे पास आया है, मैंने खुद उस पर 1 घंटे की खुद पूछताछ की है, तो 1 घंटे में चीजों को समअप करना कोई समझदारी नहीं होगा। 5 दिन का रिमांड मिला है, तो वी शैल बी एबल टू रिवील थिंग्स। अच्छा सर, वो शख्स जो था वो क्या इन्हीं के साथ इस रूम में था, उसी के सामने हत्या हुई सर? वो उसके बारे में अभी जो इन्वेस्टिगेशन है वो करनी, उसको हिरासत में लिया गया है सर? उसका क्या कुछ नाम है, क्या कुछ प्रोफाइल है, कहां का? नहीं, अभी हिरासत में नहीं लिया गया है, हिरासत में लिया। सर टोटल कितने लोग इन्वॉल्व हैं, कुछ है? नहीं, जैसे जो हत्या है वो अभिजीत ने करी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो क्रिस्टल क्लियर है। इसके अलावा स्टाफ जो 2 है वो बॉडी को डिस्प्लेस करने में, ठिकाने लगाने में उन्होंने भागीदारी निभाई है, वो भी क्रिस्टल क्लियर है। 2 और लोग जो गाड़ी में लेके गए हैं वो भी क्रिस्टल क्लियर है। तो 5 लोगों के बारे में गोली मारी कहाँ गई है सर, अभिजीत ने बताया वो होटल रूम में नहीं, कहाँ पे सिव्या पहुंचे को कहाँ पे गोली लगी? सर में, माथे में, सामने। मेरे हिसाब से नशे का और किसी को फायर आर्म यूज करने में कोई ज्यादा जोर पड़ता हो ऐसा लगता नहीं है, तो वो कह रहा है तो इतनी सेंसेस में तो आदमी रहता ही है, शायद थोड़ा ये ड्राई नशा जिसको बोलते हैं हम, उस प्रकार का नशा करता है तो रहता ही आदमी। सर, हैज गडोली फैमिली एवर ट्राई टू कांटेक्ट दिव्या आफ्टर शी वाज रिलीज्ड फ्रॉम जेल? इन चीजों के बारे में तो या तो दिव्या का परिवार बताए
या फिर जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें देखते हैं वेरियस एस्पेक्ट्स हैं उसके भी, अगर होगा तो हम जरूर बताएं। कभी से कोई पुलिस को रिक्वेस्ट आई हो कि उनके लाइफ को थ्रेट है कुछ? ना ना, ऐसा कोई हमारे पास रिक्वेस्ट नहीं। ठीक है।